नमस्कार जी, मेरा नाम है मीनू। बताने जा रही हूँ छठ पूजा पर 12 साल बाद शुभ योग करें, ये सात आसान उपाय। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा का पर्व मनाया जाता है। इस बार ये पर्व 6 नवंबर रविवार को है। इस बार छठ पर्व पर चंद्रमा के गोचर में रहने से सूर्य आनंद योग का दुर्लभ संयोग होगा, जो करीब 12 साल बाद बन रहा है, इसीलिए यह पर्व खास होगा। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य नीच की स्थिति में हो, वे लोग यदि छठ पूजा पर सूर्य यंत्र की स्थापना कर प्रतिदिन उसकी पूजा करें तो इससे उनकी कुंडली के दोष कम होते हैं और विशेष लाभ भी मिलता है। सूर्य यंत्र की स्थापना इस प्रकार करना चाहिए। छठ पूजा पर सबसे पहले सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद सूर्य देव को प्रणाम करें। इसके बाद सूर्य मंत्र को गंगा जल व गाय के दूध से पवित्र करें। अभी इस यंत्र को विधिपूर्वक पूजन करने के बाद सूर्य मंत्र का जाप करें। मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः। जाप करने के बाद इस यंत्र की स्थापना अपने पूजा स्थल पर कर दें। इस प्रकार इस यंत्र की पूजा करने से शीर की सूर्य संबंधी होने वाली समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। छठ पूजा पर सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद पूर्व दिशा में मुख करके कुश के आसन पर बैठें। अपने सामने बाजूट पटिए पर सफ़ेद वस्त्र बिछाएं और उसके ऊपर सूर्यदेव का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद सूर्यदेव का पंचोपचार पूजन करें, गुड़ का भोग लगाएं। पूजन में लाल फूल का उपयोग अवश्य करें। इसके बाद लाल चंदन की माला से नीचे लिखे मंत्र का जाप करें। मंत्र ओम भास्कराय नमः। कम से कम 5 माला जाप अवश्य करें। छठ पूजा पर सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर्मों से निपट कर भगवान सूर्य को अर्घ दें। अब सूर्य पूर्व दिशा की ओर मुख करके कुशा एक प्रकार की घास के आसन पर बैठकर रुद्राज की माला से इस मंत्र का जाप करें। मंत्र ओम आदित्याय विद्मय दिवाकराय धीमहि तन्ना सूर्या प्रचोदयात्। कम से कम 5 माला जाप अवश्य करें। इस प्रकार मंत्र जाप करने से जीवन की हर परेशानी दूर हो सकती है। यदि इस मंत्र का जाप प्रत्येक रविवार को किया जाए तो और भी जल्दी लाभ होता है। छठ पूजा पर सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद उठते हुए सूर्य को तांबे के लोटे से जल का अर्घ दें। पानी में कुमकुम तथा लाल रंग के फूल भी मिलाएं तो और भी शुभ रहेगा। अर्घ देते समय ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते रहें। इस प्रकार सूर्य को अर्घ देने से मन की हर इच्छा पूरी हो सकती है। 5वां, छठ पूजा पर दान करने का विशेष महत्व है। धर्मशास्त्रों के अनुसार इस दिन किए गए दान का पुण्य 100 गुना होकर प्राप्त होता है। अगर आप चाहते हैं कि भाग आकर साथ दे तो इस दिन कंबल, गर्म वस्त्र, घी, दाल, चावल की कच्ची खिचड़ी आदि का दान करें। गरीबों को भोजन करवाएं तो और भी जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होगी। छठा, छठ पूजन पर गुड़ एवं कच्चे चावल बहते हुए जल में प्रवाहित करना शुभ रहता है। अगर सूर्यदेव को प्रसन्न करना हो तो पके हुए चावल में गुड़ और दूध मिलाकर खाना चाहिए। ये उपाय करने से भी सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। 7वां, ज्योतिष के अनुसार तांबा सूर्य की धातु है। छठ पूजा पर तांबे का सिक्का या तांबे का चकोर टुकड़ा बहते हुए जल में प्रवाहित करने से कुंडली में स्थित सूर्य दोष कम होता है। इसके साथ साथ लाल कपड़े में गेहूँ व गुड़ बांध कर दान देने से भी व्यक्ति की हर इच्छा पूरी हो सकती है। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।